गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और वेज टू अवॉइड द प्रेगनेंसीज एंड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इस वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान से नोट्स बनाते रहें साथ के साथ और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एग्जाम्स क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं बिना आपका टाइम ज़्यादा लिए हुए। डाल लीजिए सभी टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब हमें पता है कि जब हम कोई भी चीज, किसी भी सिस्टम को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या डालते हैं कि इट इज कंसिस्ट ऑफ। हम देखते हैं कि वो किस किस का बना हुआ है। सबसे पहले सभी लिखेंगे इट इज कंसिस्ट ऑफ। देखिए डायग्राम मैंने अपने यहाँ पर साइड में बना के रखा है। देखिए ये बना हुआ होता है किसका, ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। तो हम वही लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, ये बना हुआ होता है किसी चीज का बना हुआ होता है, देखिए ओवेरी ऑफ ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस सर्विक्स एंड वजाइना। क्लियर है सभी को इतना। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये जो भी पार्ट्स हैं जिनका ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइज होता है, ठीक है, उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे ओवरी के बारे में। देखेंगे ओवरी क्या होता है। देखिए ये आपके फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, दे आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और देखेंगे इसके बाद, अब ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्रेजेंट होते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, दोनों साइड्स पे एब्डोमेन की, दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एब्डोमेन, both sides of abdomen। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये क्या रिलीज करती है। ठीक है, तो हमें पता है दे रिलीज फीमेल जर्म सेल ओवम एंड अदर हॉर्मोन्स responsible for the process of reproduction। अदर हॉर्मोन्स को भी रिलीज करती है। ठीक है, लाइक प्रोजेस्ट्रॉन एंड ओएस्ट्रोजन और भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम इतना ही देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद देखते हैं और क्या बताते हैं ओवरीज के बारे में। देखिए अब ये इन सभी को रिलीज करती हैं। जब फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड, इट कैरीज अबाउट थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स, इमेच्योर्ड एग सेल्स। ठीक है, और आफ्टर एवरी 28 डेज दे रिलीज वन ओवम और यू कैन से द एग जर्म सेल। ठीक है, तो जो ओवरी होती हैं इनमें जन्म से ही फीमेल के, उनको अपनी माँ से वही एक्सेल्स मिलते हैं। ठीक है, वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में हो सकते हैं, तो वही लिखेंगे दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एक्सेल्स बाई बर्थ। क्लियर है सभी को, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। एग सेल इज रिलीज्ड
आफ्टर एवरी 28 डेज, आफ्टर एवरी 28 डेज, ठीक है। तो यही था इस आपका किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के बारे में, ठीक है। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट, चलो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में। मैं इसे रेस्ट कर देता हूँ। ओवरीज के बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं किसके बारे में, फेलोपियन ट्यूब, सभी डाल लेंगे फेलोपियन ट्यूब। देखिए फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, अगेन ये एक आपका नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच जो कि ये क्या करता है, देखिए ये जो मैच्योर एग सेल रिलीज करती है ओवरी, ठीक है, ओवुलेशन के बाद उसे रिसीव करता है, ठीक है, विच रिसीव्स फीमेल एग सेल आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, क्लियर है सभी को इतना। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये साइट होती है किस चीज़ की, फर्टिलाइजेशन की, ये वो प्लेस होता है जहाँ पर कि आपका फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल स्पर्म क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है, तो यूटेरस में। क्लियर सभी को इतना। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पास कर देता है इसको यूटेरस को, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो गया फेलोपियन ट्यूब के बारे में, उसके बाद में हम लिखते हैं यूटेरस के बारे में, सभी डालेंगे यूटेरस। देखिए यूटेरस को हम वॉम्ब भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉम्ब, ठीक है, लिखेंगे सभी, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉम्ब, वॉम्ब भी कहलाता है, क्लियर है सभी को। अब देखिए क्या होता है कि जो यूटेरस होता है ये हर बार खुद को प्रिपेयर करता है इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द फीटस, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम It prepares itself to receive the fertilized egg. क्या चेंजेस आते हैं इसमें, इट्स walls become thick, इसकी वॉल जो हैं वो थिक हो जाती हैं, become thick एंड स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इट्स वॉल्स हैज, इसकी जो वॉल होती है उनमें वॉल्स हैज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान से देखेंगे, इसकी वॉल्स में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि विच हेल्प्स इन न्यूट्रिशन ऑफ, जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है, नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये और क्या काम करता है भाई, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटांस, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, एंड एक्सक्रीटरी सब्सटांस। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया, ठीक है।
तो देखा हमने इसमें कि वम्ब भी कहलाता है, प्रिपेयर करता है खुद को टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, इसकी बॉल जो होती है वो थिक्स और स्पॉन्जी हो जाती है। ठीक है, टू रिसीव एम्ब्रियो, टू रिसीव जायगोट। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका? देखिए, इट्स वॉल्स हैज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है न्यूट्रिशन में ग्रोइंग एम्ब्रियो के। ठीक है, जिसको कि हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। क्लियर हो गया सभी को यूटेरस के बारे में? चलिए तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए जो हम जो टर्म पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं किसके बारे में? सर्विक्स के बारे में। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, इसके में इसी में लिख लीजिए, यूटेरस वाले में लिख लीजिए ये पॉइंट। ठीक है, सर्विक्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो लिखिए यूटेरस ओपन्स इनटू, ओपन करता है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यूटेरस है वो ओपन हो रहा है वेजाइनल पैसेज में, वेजाइना में, किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। क्लियर है सभी को इतना? उसके बाद अब आप डालेंगे यहाँ पर वेजाइना, वेजाइना के बारे में। ठीक है, वेजाइना वजह के बारे में देखेंगे, लिखेंगे सभी। इट इज द पैसेज, ये पैसेज होता है। ठीक है, इज द पैसेज विच रिसीव्स, जो कि रिसीव करता है। ठीक है, विच रिसीव्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस, ऑर्गन पेनिस, पेनिस को ये रिसीव करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये आपका फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन को। इंसेमिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू वजाइना इज नोन एज इंसेमिनेशन। वो इंसेमिनेशन कहलाता है, वो प्रोसेस जिसमें कि स्पर्म जो है पेनिस से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वजाइना में, वजाइना में। ठीक है, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं, और ये उसी को रिसीव करती है पेनिस को, फैसिलिटेट करती है इंसेमिनेशन को। ठीक है, क्लियर है सभी को वजाइना के बारे में? चलिए इसके बाद देखिए जो हम टर्म्स पढ़ते हैं वो है आपका मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, देखेंगे मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। देखिए, ये जब आपका एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो जो वॉल्स होती हैं, हमने पढ़ा था कि यूटेरस में जो वॉल्स होती हैं वो खुद को प्रिपेयर करती हैं, वो क्या करती हैं, शेड ऑफ करती हैं विद द हैवी ब्लीडिंग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो लिखेंगे सभी, व्हेन द फीमेल एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, फीमेल एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, नॉट फर्टिलाइज्ड, देन इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इनर लाइनिंग, तब क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है आपके यूटेरस की, ठीक है, यूटेरस शेड ऑफ कर जाती है। ठीक है, विद ब्लीडिंग, विद ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, थ्रू वेजाइना, नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस क्लियर है सभी को मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? देखिए मेंस्ट्रुएशन में आपके दो टर्म्स और हैं, वो देखेंगे सभी। सबसे पहला टर्म जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेनार्क। ठीक है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है फीमेल में उसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। तो लिखेंगे सभी, इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, इन फीमेल कब शुरू होती है, और फिर एट द एज ऑफ 11 to 13, 11 to 13।
क्लियर है सभी को मेनार क्या होता है? उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है आपका वो होता है मेनोपॉज। सभी ध्यान समझेंगे मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है? इट इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब फीमेल ओवरी, जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ओवरी, वो ओवम प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। सभी लिखेंगे इट इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग ओवम। ठीक है, इट इज एट अबाउट द एज ऑफ 45 to 50, द एज ऑफ 45 to 50। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम आपका वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। सभी जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, पढ़ेंगे उसके बारे में। ले लिया सभी ने? चलो मैं इसे रिलीज कर देता हूँ। डाल लीजिए सभी, मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो अब देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं आपके जिनके थ्रू हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे सभी फिजिकल बैरियर मेथड। पहला जो मेथड हम इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फिजिकल बैरियर मेथड। देखिए ये जो मेथड होता है वो आपको यूज किया जाता है टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है? तो लिखिए इसमें दिस मेथड इज यूज टू अवॉइड मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है? और इसमें यूज किए जाने वाले, इसमें यूज चीजें क्या जाता है, इन दिस प्रोसेस यूज ऑफ मेल एंड फीमेल कंडोम्स, मेल एंड फीमेल कंडोम्स सर्विकल गैप्स एंड डायफ्राग्म्स आर यूज्ड एंड डायफ्राग्म्स इज डन सो आई होप क्लियर है आपको कि फिजिकल बैरियर मेथड क्या होता है। वो मेथड जिसमें कि आपको जो मीटिंग होती है किसके बीच की, मेल एंड फीमेल गैमेट की, उसे अवॉइड किया जाता है किसके द्वारा, यूज मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स का, सर्विकल कैप्स का और डायफ्राग्म्स का यूज करके। क्लियर है सभी को? तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और कौन कौन से मेथड होते हैं। नेक्स्ट वन इज योर केमिकल मेथड। देखिए केमिकल मेथड में क्या होता है आपका, इसमें ड्रग्स का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द एम्ब्रियो, ठीक है? फॉर्म जो एम्ब्रियो बनता है आपका, ठीक है, सॉरी जायगोट जो बनता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है? तो आप लिखेंगे इसमें यू इन दिस प्रोसेस सेवरल ड्रग्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फॉर्म्ड जायगोट, ठीक है? लेकिन इसके जो है फीमेल बॉडी पर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लिखेंगे सभी इट मे हैव साइड इफेक्ट्स ऑन फीमेल बॉडी।
ठीक है, इसमें किस किस का यूज लिखा जाता है, इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, मालाडी एंड सहेली, विच आर द नेम ऑफ ओरल पिल्स। ठीक है, ओरल पिल्स होती है, और यू कैन से द केमिकल ड्रग्स। ठीक है, तो यहां पर हमारा हुआ केमिकल मेथड्स। नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है देखेंगे, सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड क्या होता है, इनमें जो डक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको सर्जरी के द्वारा कट करके टाई करवा दिया जाता है, जिससे कि मेल और फीमेल के बीच जो है मीट ना करें। ठीक है, इन दिस मेथड डक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कट एंड टाइड, आर सर्जरिकली कट एंड टाइड कट एंड टाइड। ठीक है, इट इंक्लूड्स, ये दो तरीके का होता है। ठीक है, इसको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है आपका। ठीक है, देखेंगे पहला टाइप आपका होता है इसका वासेक्टोमी। देखिए इसमें क्या होता है, वासेक्टोमी में क्या होता है आपका, इन दिस प्रोसेस वास डेफरेंस ऑफ मेल आर कट एंड टाइड टू अवॉइड मीटिंग ऑफ गैमेट्स। क्लियर है, वो कहलाता है आपका वासेक्टोमी। ये मेल्स में होता है, ठीक है, ध्यान रखना सभी, ये मेल्स में होता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो वास डेफरेंस होती है, हमें पता है कि भाई टेस्ट से जो स्पर्म लेकर के जाती है वो आपकी वास डेफरेंस होती है। ठीक है, तो वास डेफरेंस को ही जब कट करके और टाई कर देंगे तो क्या होगा कि फिर जो गैमेट हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फीमेल्स में क्या होता है देखेंगे सभी, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, देखिए सेम प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब किसको कट कर दिया जाता है फीमेल्स में, फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स इज कट एंड टाइड टू अवॉइड रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, रिलीज की जगह टू अवॉइड मीटिंग कर लीजिए। ठीक है, टू अवॉइड मीटिंग ऑफ गैमेट्स। क्लियर है सभी को, ये आपका फीमेल्स में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसीज में, ये थी मेथड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फोर्थ मेथड जो होता है वो आपका होता है आई यू सी डीज। IUCDs की फुल फॉर्म क्या होती है देखेंगे सभी, पहले इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, दे आर यूज्ड, ये हार्मोनल बैलेंस जो होता है बॉडी का वो चेंज कर देती हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड टू चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, एग्जांपल में इट इंक्लूड्स यूज ऑफ कॉपर टी। ठीक है, विच
रिलीज इट्स आयंस, जो कि अपने आयंस रिलीज करती है, ठीक है, इट्स आयंस विच, जो कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विच रिएक्ट्स विद स्पर्म एंड रिड्यूस इट्स मोबिलिटी, उसकी जो वो स्पर्म की मूव करने की क्षमता होती है वेजिनल पैसेज में, ठीक है, उसको ये क्या करती है, घटा देती है उसके साथ रिएक्ट करके, रिड्यूस इट्स मोबिलिटी, मोबिलिटी एंड फ्यूजिंग कैपेबिलिटी, एंड फ्यूजिंग कैपेबिलिटी। सो आई होप आप सभी को वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसी समझ में आ गया होगा। हियर वी हैव कंप्लीटेड मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ले लिया सभी ने, चलो देखते हैं आगे इसके मेथड्स और कौन कौन से होते हैं। मेथड्स आप सॉरी कंप्लीट हो गए हैं, अब पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? डाल लीजिए सभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? देखिए, ये किसी भी इंडिविजुअल का मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली वेलबींग होना सेक्सुअली रिलेशनशिप के लिए ही आपका क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सभी लिखेंगे इसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द प्रोसेस ऑफ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली फिट, एंड इमोशनली फिट टू बी इन द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द वन। किसी के भी साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में होने के लिए जो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली फिट होने की जरूरत पड़ती है वही क्या कहलाती है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि STDs क्या होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका STDs, डाल लीजिए सभी STDs। STDs की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दे आर द डिजीजेस which can be transferred from one person to another sexually। जो डिसीज आपकी सेक्सुअली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है उन्हें हम बोलते हैं STDs, ठीक है। दे कॉन बी कॉज्ड बाई वायरस एंड बैक्टीरिया बोथ, ये वायरस के द्वारा भी कॉज की जा सकती हैं और किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, डाल लेंगे सभी। देखिए जो आपकी वायरस के द्वारा की जाती हैं वो उसमें आपका एड्स कॉमन है, इसमें एग्जांपल मिलेंगे हम एड्स के बारे में, ठीक है। इसमें साइफिलिस एंड वॉर्ड्स, ठीक है। तो देखेंगे एड्स क्या होता है, आपके एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं वेज टू अवॉइड STDs, वेज टू अवॉइड STDs और यू कैन से एड्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, वन शुड अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। इसमें क्या होता है कि सभी को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से बचना चाहिए, वन शुड अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी
ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन रूप पर क्या रखना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी अवॉइडेड, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रेजर अपने सेल्फ चीज़ों का याद करें, इस्तेमाल करें, जैसे कि सिरिंज, नीडल्स, ये सब चीज़ों का अलग अलग ही इस्तेमाल करें, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ टॉवेल्स एंड अंडरगारमेंट्स, शेयरिंग ऑफ टॉवेल्स एंड अंडरगारमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इफ हैव डाउट, किसी को अगर डाउट हो, ठीक है, देन मस्ट टेक, देन मस्ट हैव मेडिकल चेकअप, अगर किसी को किसी पर डाउट है तो उसे डेफिनेटली मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। दीज आर योर फ्योर सम योर मेथड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या होता है। देखिए, हमने बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा की जाने वाली उनके डिसीजेज के बारे में पढ़ लिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज के बारे में। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके बारे में, फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में, फीमेल इन्फेंटिसाइड। देखिए बेटा, ये होता क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड वो प्रोसेस है आज के और का जो हमारे समाज में, जिसके जिसमें कि जो फीमेल गर्ल चाइल्ड होती है उनको वोम्ब में ही मार दिया जाता है, ठीक है, लिखेंगे सभी। इट इज द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ, इलीगल प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल गर्ल चाइल्ड, ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड विद इन द वोम्ब, विद इन द womb, ठीक है। इट शुड बी अवॉइडेड, इसका उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज बैलेंस एंड रेशियो, एंड रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर सोसाइटी इज, इन आवर सोसाइटी इज नेसेसरी, इज नेसेसरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस बना के रखना, इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो क्वेश्चन मैंशन कर सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और जिस किसी को भी नोट्स